नमस्कार। कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है। कामयाबी की मंजिल जो है वो आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहें तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी से। कोशिश से कामयाबी तक। गजल सम्राट पंकज उधास ने अपनी आवाज से देश विदेश की आवाम के दिलों में अपना एक अलग घर बना लिया है। गजल लफ्ज आते ही एक नाम जहन में आता है और वो है पंकज उधास। करवटे बदल बदल, करवटे बदल बदल, रातें कटती है दिल में, है हलचल। सन 1980 में आहट के नाम से पंकज उधास ने रिलीज किया अपना पहला एल्बम और बस तब से आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1986 में आई फिल्म नाम के सुपरहिट गीत चिट्ठी आई है को पंकज उधास ने न सिर्फ अपनी जादुई आवाज दी बल्कि इस गाने में वो पहली बार देश विदेश में पंकज उधास ने बहुत सारे शोज किए और रिलीज किए हैं कई सारे एल्बम्स। पद्मश्री पंकज उधास ने कैसे तय किया अपना कोशिश से कामयाबी तक का ये सफर, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। कोशिश से कामयाबी तक। तो ये थे गजल माएस्ट्रो पंकज उदास, आइए उनका स्वागत करें। पंकज जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? बहुत अच्छी, आइए बैठिए। बहुत खुशी हुई आपके साथ आज गुफ्तगू करने का मौका मिला। आई नो, वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं लेकिन आज कुछ अलग बातों के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश से कामयाबी तक। बचपन के बारे में कुछ बताइए। मुझे मालूम है कि आप एक्चुअली लैंड से और जमींदारी वाले खानदान से आते हैं। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, फादर ग्रैंडफादर थे, वो जमींदार थे। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए एक्चुअली बचपन के बारे में बहुत सारी बातें, यानी ढेर सारी बातें, मैं घंटों तक बात कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा बिफोर आई गो टू माई फैमिली और मैं उनके बारे में कुछ बात करूँ कि मैं बहुत शरारती था बच्चा, यानी इतना शरारती था, मैं शरारती था कि हर पल मुझे कोई ना कोई ऐसी बात सूझती थी कि जिसमें डिजास्टर हो। ऐसा जिसको कहें कि खुरापाती बच्चा होता है ना, तो ऐसा था मैं। एक्चुअली आई एम एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज। अच्छा। अभी मुझे कोई देखता है, मुझसे बात करता है तो कोई कहता है कि भाई मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम शरारती बच्चे थे। क्यों, गजलों का इतना असर हो गया आप पे कि आप सीरियस हो गए एकदम लाइफ में? पता नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं मेरे फोरहेड पे एक निशान है, वो भी उसी की देन है बचपन की। क्या किया था वो आपने? मैंने क्या किया कि एक पटाखा लिया, उसके ऊपर एक डब्बा रखा और फिर वो पटाखा जला के डब्बे को रख दिया मैंने ऊपर, तो वो डब्बा आसमान में उछला, तो बड़ा मजा आया। तो एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने वो पटाखा जलाया और ऊपर डब्बा रखने गया तो वही फूट गया। हाँ। तो डब्बा सीधा इधर आया मेरे तो पेशानी पे। हाँ। मेरे फोरहेड पे। अच्छा। तो इस तरह का मेरा बचपन, पेड़ों पे चढ़ना और आम तोड़ना और ये सारा कॉमन था। तो वो दैट टेक्स मी बैक टू माई ऑब्वियसली माई रूट्स, माई एंसेस्टर्स, मेरे मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा।
तो हम लोगों की वैसे गुजरात में राजकोट के पास एक छोटा सा शहर है, छोटा सा गांव है चरखड़ी, तो हम लोग वहाँ के रहने वाले और ट्रेडिशनल पारंपरिक ज़मींदार लोग थे। पूरा गांव ही समझ लीजिए उदास परिवार के नाम था पूरा गांव। तो बचपन में मैं जब जाता था मेरे दादा के पास, तब मैंने इस बात का एहसास किया कि कैसा गांव, क्या किस तरह से उनका अंदाज था पूरा। और नो डाउट कि जब मैं जब बड़ा हो रहा था तो इस बात का मुझे इल्म हुआ कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो ओवरनाइट जो सारी ज़मीन थी हमारे ख़ानदान के पास या पुश्तों की सारी, तो दैट वेंट टू ऑल द फार्मर्स। माय ग्रैंडफादर वाज अ वेरी एजुकेटेड मैन, उन्होंने पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए किया हुआ था, तो वो हमेशा इस बात को मानते थे कि भाई यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। तो उस वजह से मेरे पिता, मेरे चाचा सब लोग, उन्होंने भी एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट लिया। माय फादर वाज अ बीए एलएलबी। अच्छा, तो लॉ प्रैक्टिस करते थे? नहीं, लॉ तो प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने, बट अल्टीमेटली ही जॉइन द गवर्नमेंट। अच्छा, एंड ही वाज वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो बचपन मेरा जो है वो राजकोट में गुजरा और मैंने शुरुआत वहीं से की, राजकोट से मेरी शुरुआत हुई, बचपन मेरा वहीं गुजरा स्कूल। अच्छा, ये बताइए कि बिल्कुल ही म्यूजिकल फैमिली से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे जी, और ग्रैंडफादर लैंडलॉर्ड थे जी, तो ये आप तीनों भाई जी म्यूजिक फील्ड में आ गए, तो ये कैसे हुआ? मेरे ग्रैंडफादर एट वन पॉइंट वाज वर्किंग फॉर द महाराजा ऑफ भावनगर, एंड माय फादर ग्रू अप इन भावनगर, इन दैट एनवायरनमेंट ऑफ भावनगर, महाराजा का जो उनकी कोठरी थी, उनका जो म्यूजिक बहुत उसमें, हाँ, तो वहाँ बड़े हुए मेरे फादर। अच्छा, तो वहाँ म्यूजिक बहुत था। अच्छा, तो मेरे फादर को बहुत शौक पैदा हुआ और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे इसराज कहते हैं, दिलरुबा भी कहते हैं, तो इट्स अ बो इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, तो वो उन्होंने सीखना शुरू किया। अच्छा, व्हेन ही वाज वेरी यंग। अच्छा, तो वो साज उन्होंने धीरे धीरे सीखा और मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं आई यूज टू सी के वो जब शाम को अपने काम से, सिंस ही वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, ही यूज्ड टू बी इन द ऑफिस, दिन भर ऑफिस में रहते थे, शाम को जब आते थे वापस तो अपना वो इसराज, अपना दिलरुबा खोलते थे, उसको ट्यून करते थे और वो बजाते थे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो बात जो है दैट स्टार्टेड प्लेइंग ऑन आर माइंड्स बेसिकली। और मेरी मदर जो थी उनको गाने का बेहद शौक था, गाती थी, शी हैड अ लवली वॉइस। अच्छा, एंड व्हाट शी यूज्ड टू डू इज के उस जमाने में ज़्यादा थोड़ी शर्म भी थी, थोड़ी झिझक भी थी, ज़माना उतना एडवांस नहीं था, सो माय मदर यूज टू से लीड ऑल द कोरस, जो शादियों में जो गाना होता है ना, हाँ, तो उसमें हमेशा मैंने, मुझे याद है मैं देखता था कि वो उनको पकड़ के आगे बिठाया जाता कि भाई आप गाना लीड करो, बाद में हम गाएंगे। हाँ, हाँ, तो शी हैड अ लवली वॉइस। तो आई थिंक दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ माय मदर्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक, माय फादर्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक, एक एनवायरनमेंट ऐसा था जहां के गाना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा संगीत का था। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने दे प्रॉब्ली सॉ इन अस कि भाई ये बच्चे अच्छा गा रहे हैं और ये कुछ टैलेंट है, तो व्हाई नॉट एनकरेज देम जी। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहली बार आपने कहाँ गाना गाया? ये बहुत एक दिलचस्प किस्सा है कि मैं स्कूल में जब मेरी भर्ती हुई और मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, तो स्कूल में कहीं ना कहीं मैंने गा दिया होगा तो सब बच्चों ने वो प्रिंसिपल को बता दिया कि भाई ये पंकज उदास जो है वो बहुत अच्छा गाता है। तो मुझे बुलाया गया कि भाई तुम आओ, और सुबह हमारी एक स्कूल की असेंबली होती थी तो उसमें स्कूल की एक प्रार्थना सेट, प्रार्थना थी हमारी बच्चों की, तो प्रार्थना होती थी, तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम आगे बैठो और प्रार्थना लीड करो। ओके, तो मैंने प्रार्थना गाना शुरू किया, धीरे 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 आई बिकेम जिसको कहें एक परमानेंट फीचर बन गया मैं, कि मैं हमेशा आगे बैठूं और प्रार्थना को लीड करूं और वो सारे बच्चे मुझे फॉलो करें। 1962-63 की बात है कि चाइना का वॉर ख़त्म हुआ था, इंडिया चाइना का वॉर। उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ कि लता जी ने पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के सामने
वो ऐ मेरे वतन के लोगों गाया और पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और दैट बिकेम अ बिग स्टोरी. ऑब्वियसली इट वाज सच अ वंडरफुल सॉन्ग. तो वो गाना बार बार रेडियो पे बजता था, ऐ मेरे वतन के लोग. मैंने वो गाना सुना और उस गाने ने दैट कैप्चर्ड माई अटेंशन कि मैं पता नहीं इमीडिएटली मुझे वो गाना इतना पसंद आया. अच्छा, उस ज़माने में मेरे पास, हमारे पास घर में कोई रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह तो था नहीं, तो रेडियो था. तो रेडियो पे वो गाना कम से कम दिन में 10 बार बजता था. तो मैंने क्या किया कि मैंने बैठ के वो गाना जब भी आया तो मैं बैठ जाता था, उस गाने के मैं वर्ड्स लिखता था और उस गाने को सुनता था मैं. तो आई थिंक के महीने दो महीने में वो गाना मैंने ज़बानी याद कर लिया और वो गाना मैंने सीख लिया जस्ट बाई लिसनिंग टू इट ऑन द रेडियो. और तो कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रेडियो से सुन सुन के सीख लिया. तो उस गाने की दो पंक्तियां हमें सुना दीजिए. जी, सुना दो मैं. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो राजकोट में एक जगह थी जहाँ बहुत बड़े पैमाने पे नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता था और शाम में वहाँ पे एक 6-7 बजे के बाद एक कल्चरल प्रोग्राम होता था जो कि रात को 10-11-12 बजे तक चलता था, जिसमें सब लोग कलाकार लोग आते थे, अपने गाने गाते थे, अपना कुछ ना कुछ सुनाते थे और कम से कम 3-4-5 हज़ार लोग आके बैठते थे. तो मैं वो देखने के लिए मेरे पेरेंट्स के साथ मैं चला गया था. मेरी मदर और फादर दोनों मेरे साथ थे, मैं उनके साथ चला गया था और आई वॉज़ पार्ट ऑफ द ऑडियंस. और वो प्रोग्राम चल रहा था तो हमारी स्कूल के कोई टीचर ने मुझे देख लिया. तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा जो है वो ऐ मेरे वतन के लोगों बहुत अच्छा गाता है. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने खड़ा कर दिया स्टेज पे कि आप गाइए. तो अब मैं स्टेज पे खड़े होके गा रहा हूँ ऐ मेरे वतन के लोगों. और आप मानेंगे नहीं कि ऑडियंस में जैसे कोई सन्नाटा सा हो गया, क्योंकि लोग उस गीत से इमोशनली भी जुड़े हुए थे, बहुत अटैच्ड थे. जब गाना मैंने पूरा किया, ख़त्म किया, तो खूब तालियां बजी और वंस मोर हुआ. अच्छा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, होश ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा गाना गा गया बड़े मूड में. तो उसमें सडनली ऑडियंस में से एक साहब खड़े हुए, जो हम लोग कभी कभी पिक्चरों में देखते हैं, फिल्मों में, एक साहब खड़े हुए, बोले इस बच्चे को मैं मेरी तरफ से 51 रुपया इनाम देता हूँ. और उस टाइम आप सोचिए उस जमाने 51 रुपया बहुत बड़ी बात थी. तो आई, यू नो, माई पेरेंट्स वर सो हैप्पी, आई कुड नॉट बिलीव. तो शुरुआत वहाँ से. ठीक है पंकज जी, और बातें करेंगे आपसे बहुत सारी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में. हम बात कर रहे हैं पंकज उदास से. तो पंकज जी, पहले हम बात कर रहे थे कि बचपन में आपने ये गाना गाया और आपको तालियां मिली, 51 रुपए मिले, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी, और इनकरेजमेंट मिली. लेकिन ऐसा कौन सा दौर था जब आपने डिसाइड किया कि मैं इसको ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ? मेरे ख्याल से जो हर कोई एक नौजवान के साथ होता है, जो स्टूडेंट होता है उसके साथ, मेरे साथ भी वही हुआ कि एक पॉइंट पे आके सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं. दैट्स द रीज़न कि मैंने साइंस को परस्यू किया और मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया. तो लेकिन आप फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने ये थोड़ा कहते हुए शर्म आती है, लेकिन कॉलेज में मैंने कुछ किया ही नहीं है. कॉलेज में मैंने सिर्फ गाना गाया. क्योंकि वो सबसे ज़िंदगी में दिल के सबसे करीब पसंदीदा बात वही थी जो है गाना. तो अब ये हुआ कि कॉलेज में गया तो जितनी दुनिया भर के कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें मैं पंकज उदास कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव पंकज उदास. अच्छा, कितने प्राइजेस मैंने जीते कॉलेज के लिए. तो मेरे प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे मुझसे. कहते थे भाई अच्छा तुमने क्लास बंक किया है, तुम क्लास में नहीं हो, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी अटेंडेंस हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन तुम इनाम लेके आ रहे हो कॉलेज के लिए तो अच्छी बात है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गाना सर पे इतना सवार था कि एजुकेशन
चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी, साइड ट्रैक ले लिया, लेकिन अहम चीज गाना ही थी और वो गाना हमेशा साथ रहा। तो अब आप देखिए कि एज अर्ली एज अगर हम लोग, मैं जब पीछे की बात सोचता हूँ तो हम आज दूरदर्शन के इस सेट पे बैठे हैं, तो 1971-72 में जब दूरदर्शन शुरू हुआ, दूरदर्शन की शुरुआत ही थी बॉम्बे में, जी बॉम्बे में, मुंबई में तब बॉम्बे कहलाता था, तो उस वक्त मैंने आरोही नाम से एक प्रोग्राम आता, अच्छा, उसमें एज अ कॉलेज स्टूडेंट में गाने के लिए आया था और मैंने 72 में यहाँ गाया था। तो आप सोचिए कि उस बात को आज मैं आई गॉट, मुझे बहुत जिसको कहें कि नॉस्टैल्जिक हो गया मैं, 43 इयर्स हो गए इस बात को, 43 साल के बाद आज फिर भी मैं यहाँ आपके साथ यहाँ बैठा हूँ दूरदर्शन के साथ। तो दूरदर्शन ने आपकी पूरी जर्नी देखी है, जी मतलब बिल्कुल, तब से बिल्कुल, अब तक बिल्कुल। अब आप देखिए कि 72 से लेके आज तक, तो बड़ा सा इत्तेफाक है ये, कमाल का। सही में देखा जाए तो कोशिश से कामयाबी का इससे बड़ी उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। सही बोल रहे हैं आप। मेरे साथ, मेरी करियर, मेरी जिंदगी के साथ एक कमाल का वाकया हुआ। बीआर इशारा साहब आप जानते होंगे, हाँ, बहुत जाने माने, हाँ, डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में, उनका बहुत बड़ा एक अलग मकाम था उनका अपना। तो इशारा साहब एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में उन्होंने सारे नए कलाकारों को लिया था और उस फिल्म का म्यूज़िक उषा खन्ना जी कर रही थी और नक्शलालपुरी साहब गाने लिख रहे थे। मैं चूँकि मनर उदास जी मेरे बड़े भाई हैं और आप जानते हैं कि वो बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, जैकी श्रॉफ के लिए बहुत सारे गाने गाए उन्होंने, हीरो वगैरह सब फिल्मों के गाने जी। तो मनर जी के साथ साथ मैं हर जगह, मुझे शौक़ था बहुत म्यूज़िक का, तो मैं उनके साथ हमेशा जाया करता था इधर उधर। तो उषा खन्ना जी ने मुझे गाते हुए सुन लिया था दो चार बार मनर जी के साथ, तो उषा जी ने याद किया कि भाई हाँ वो मनर का छोटा भाई है, वो बहुत अच्छा गाता है, तो उसको बुलाओ। तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मुझसे बड़े मेरे भाई हैं निर्मल, तो निर्मल मुझे ढूंढते ढूंढते आए कॉलेज में और कॉलेज में से मुझे उठा के ले गए और यहाँ पे एक हिस्टोरिकल स्टूडियो उस ज़माने में था, फेमस स्टूडियो, हाँ, और सारे गाने फेमस में रिकॉर्ड होते थे, और उषा जी की कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी, उषा खन्ना जी की, तो वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई। उसके बाद उषा जी ने कहा कि भाई पंकज एक काम करो, तुम ये माइक पे तुम गाओ, स्टूडियो के माइक, तो मुझसे गवाया स्टूडियो के माइक पे, तो मैंने गाया, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा तुमको एक गाना गाना है फिल्म के लिए, तो मैं तो आप समझ सकते हैं मेरी खुशी का, हाँ, कोई ठिकाना नहीं था, यानी कोई उसकी सीमा नहीं थी। तो मैंने गाना रिहर्स किया उषा जी के साथ बैठ के, दूसरे दिन सुबह वो गाने की रिकॉर्डिंग हुई। आप सोचिए कि 20 साल का था मैं, 21 साल का, और कोई 70-80 म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं पूरे, और उनके बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया और वो गाना मैंने, लकीली वो गाना मैंने गाया, वो गाना बहुत अच्छा हुआ। कामना उस फिल्म का नाम था। उस ज़माने में रेडियो सिलोन पे अमीन सयानी साहब एक प्रोग्राम करते थे, तो अमीन भाई ने मेरा गाना बहुत बजाया कि एक नई आवाज़ है, नई आवाज़ है करके, उसका रिकॉर्ड भी आया, मेरे पास वो रिकॉर्ड रखा हुआ है आज भी। तो वो गाना आया किरण जी, तो उसके बाद मुझे कहीं ऐसा लगा कि मैं अभी तो प्लेबैक सिंगर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, पता नहीं क्या है, बट आप मानेंगे नहीं कि उसके बाद मैंने इतना संघर्ष किया, लेकिन ऑब्वियसली वो ज़माना था कि जिस दौर में रफ़ी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, मन्ना डे, अब ऐसे ऐसे सिंगर थे, मेरा जिसको कहें कि एक संघर्ष शुरू हुआ, और वो संघर्ष ऐसा शुरू हुआ कि न मैं यहाँ का रहा न वहाँ का। उस दौरान बड़े भाई साहब मनर जी एक उस्ताद से उर्दू जबान सीखते थे। अच्छा। तो मैं क्या करता था कि जब मनर भाई उनके साथ पढ़ने बैठते थे तो मैं चुपचाप कहीं जाके कोने में सामने बैठ जाता था और मैं सुनता रहता था। तो मेरे ख़्याल से 3-4-6 महीने के बाद एक दिन मैंने हिम्मत कर ली और मैंने उस्ताद जी को पूछा कि आप मुझे उर्दू सिखाएंगे। तो उस्ताद जी हैरान परेशान हो गए, क्योंकि मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, अच्छा मैं अंग्रेज़ी के सिवा बात ही नहीं करता था। उस्ताद जी ने जब मुझे देखा, मेरी तरफ, मेरा हुलिया देखा, तो कहने लगे तुम उर्दू सीखोगे।
तो मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल उर्दू सीखूंगा, मुझे बड़ा शौक है। बोले भाई क्यों तुम अपना वक्त ख़राब कर रहे हो, मेरा वक्त ख़राब कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर मुझे किसी भी सूरत में सीखना। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई मैं कोशिश कर लेता हूँ, शायद तुम्हें कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ जाए। तो मैंने उनसे उर्दू की तालीम शुरू की और धीरे धीरे मैं जब जैसे जैसे उनसे सीखता गया, उनको भी ये एहसास हुआ कि भाई ये बच्चा जो है वो सही में सीरियस है, उसको शौक़ है। और सही में देखा जाए तो इट वाज़ लव एट फर्स्ट साइट, उर्दू ज़बान से मेरा इश्क हो पसंद आ गई, सही में इश्क हो गया। ऐसा हुआ कि भाई ये ज़बान तो मुझे किसी भी सूरत में, आई मस्ट नो दिस लैंग्वेज। और इस तरह आप गज़लों में आ गए। तो बस वहीं से एक पूरा टर्न हुआ कि वहाँ से मैंने बेगम अख्तर को सुनना शुरू किया, बेगम अख्तर को सुनना शुरू किया तो और मेरा जो जिसको कहें कि मेरी सोच है वो और ज़्यादा उस तरफ चलती गई कि भाई गज़ल अच्छा, उसको देखते हुए फिर मैंने गज़ल गाना शुरू किया। अच्छा ये पूरा अरसा स्ट्रगल का पीरियड ही था, इसमें कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मैं कोई सुपरस्टार बन गया था या वो फिल्म का एक गाना आया था बस। लेकिन वही स्ट्रगल के पीरियड में आप अपने आप को सस्टेन कैसे करते थे? मैं क्या करता था? फाइनेंशियली भी जी, जी। और वैसे भी इमोशनली भी बहुत मुश्किल होता है ये दौरान। नहीं मैं क्या करता था किरण जी के बड़े भाई साहब मनोज जी तो फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो चुके थे, तो हम तीनों भाई एक कार्यक्रम करते थे फेबुलस थ्री सिंगर्स करके। अच्छा तो मुंबई में हम तीनों पूरे इंडिया में कैफेज में मतलब डिफरेंट इन ऑडिटोरियम्स वी यूज्ड टू डू ऑडिटोरियम कॉन्सर्ट्स। और उसमें फिल्मों के गाने होते थे जाहिर है, तो मनोज जी अपनी फिल्मों के गाने गाते थे, निर्मल किशोर कुमार जी के गाने गाता था मैं, कुछ मुकेश जी के, कुछ रफी साहब के गाने गाता था। तो ऐसे हम लोग शो करते थे। सो आई थिंक दैट वाज मेन सोर्स ऑफ इनकम, के सस्टेनेंस वहीं से आता था कि वे थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया जिससे कि अपना वो घर चलता रहता। और आप उस टाइम सेटल्ड नहीं थे, मैरिड नहीं थे, आई वाज नॉट मैरिड, जिम्मेवारी सिर्फ अपनी थी मतलब जी। लेकिन एक मैं इसमें अभी मैं एक जिसको कहें कि आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच इज टोटली शॉकिंग, यानी इट्स टोटली अवे फ्रॉम ऑल दिस, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। तो 76 में मैं अपना बैग पैक किया और एक मेरा हारमोनियम लिया मैंने और मैं यहाँ से चला गया कनाडा। कनाडा जी ओके। और मैंने सोचा कि मैं बस अब यहीं रहूँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अच्छा वहाँ गए तो कुछ दोस्तों के साथ, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त वहाँ रहते थे टोरंटो में, तो मैं उनके साथ रुका, उनके घर रुका। अब वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ कि उनके घर पे किसी ने मुझे गाते हुए सुन लिया, मतलब म्यूजिक नहीं छूटा आपका वहाँ जाकर भी छूटा किसी ने मुझे गाते हुए सुन लिया, फिर किसी ने प्रोग्राम करवाया, फिर किसी तीसरे ने। तो आखिर में ये हुआ कि मैं 10 महीना रहा कनाडा में एंड फॉर दोज 10 मंथ्स आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग बट सिंगिंग। तो मैंने 10 से 10 महीने वहाँ, मैं पूरे 10 और 10 महीने मैंने गाना गाया। अच्छा लेकिन वहाँ गजलें गा रहे थे या फिल्मी गाने गा रहे? गजलें, ज्यादा गजलें, 90% गजलें। उस समय की एक गजल जी, उसकी कुछ पंक्तियां हमें जरूर सुनाइए। अभी वो एक मेरी गजल में गाता था, सागर से सुराही टकराती बादल को पसीना आ जाता, तुम जुल्फ अगर लहरा देते सावन का महीना जाता। तो ऐसे मैं गजलें गाता था ज्यादा वहाँ पे। आखिर में ये हुआ किरण जी, जी। कि मुझे वहाँ से लोगों ने धक्के दे के निकाल दिया। उन्होंने कहा, जो जितने मेरे दोस्त थे टोरंटो में, उन्होंने कहा कि भाई यू डोंट बिलोंग हियर, तुम्हारा ये तुम्हारे लिए जगह है जगह नहीं है, आप इंडिया जाइए और तुम वापस जाओ और गाना गाओ, सिंगर बनिए। तो आप देखिए कि तो ये सिंगिंग के बारे में हम और आपसे बात करेंगे पंकज जी, लेकिन इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पंकज उदास जी से। आई नो आपने कहा कि आप गज़ल में घुस गए, लेकिन आपके ब्रदर ऑलरेडी इतने बड़े फिल्म बैकग्राउंड म्यूजिक में थे, तो उनके सपोर्ट हेल्प के साथ आपके लिए बहुत आसान था फिल्मी गाने गाना। लेकिन तो भी आपने एक मुश्किल रास्ता चुना गज़लों का, जो कि उस वक्त भी मतलब आउटडेटेड, आउट ऑफ फैशन हो गई थी और लोग सुन नहीं रहे थे। तो
क्या ऐसी बात थी जो आपने मतलब एक अलग हटके रास्ता चुना? गज़ल, जो जब गज़ल की बात आती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, फिर वो गज़ल ही मुझे नज़र आती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट पैशन था कि गज़ल गाना है और गज़ल में कुछ करना है। नो डाउट इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कुछ करने का और आई कुड डू समथिंग। तो आपका एक बहुत एक गाना, फिल्म का गाना जी, महेश भट्ट जी की फिल्म जी, बहुत बहुत पॉपुलर हुआ था जी, उस बारे में आप बताइए। रंजन कुमार जी ने फिल्म बनाई थी, नाम जी प्रोड्यूसर थे उनके जी। तो रंजन कुमार जी तो मेरी नज़रों में और हम सब की नज़रों में बहुत बड़े स्टार थे और मैं तो बचपन में उनको देख के बड़ा हुआ था। उनकी फिल्में, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म वॉज आरजू, उनकी एक फिल्म थी जी। तो उनको उनका जब मेरे पास फ़ोन आया कि पंकज तुम्हें ये गाना तुम्हें फिल्म में एक्टिंग करनी है, उन्होंने पहले मुझे ये कहा कि तुम्हें फिल्म में एक्टिंग करनी है, तो मैं घबरा गया। तो मैंने उनके फ़ोन का दो तीन दिन जवाब नहीं दिया। मैंने आई डिडंट कॉल हिम बैक शब्द इस्तेमाल किया था। गाना गाना है तो वो कहने लगे नहीं सॉरी सॉरी, बोले मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हें गाना गाना है और वो गाना तुम्हारे पे पिक्चराइज होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब गाना हमने पिक्चराइज किया, वो फिल्म रिलीज की, और वो गाना जिसको कहें कि अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कहें कि उसकी सक्सेस, मैं कुछ दिनों पहले, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें आप ये गाना नहीं गाते होंगे? नहीं, हर कोई कार्यक्रम में ये गाना तो ज़रूर गाना पड़ता है। और बल्कि मुझे एक साहब मिले, ये बिल्कुल मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक साहब मुझे मिले, मेरा एक प्रोग्राम था उसमें आए वो मेरे पास, और उन्होंने मुझे एक किताब दी और उस पर, उस किताब में लिखा हुआ था कि डेडिकेटेड टू पंकज उदास। तो मैंने कहा कि भाई क्यों आपने मुझे डेडिकेट किया? तो उन्होंने कहा कि वो सिलिकॉन वैली में अमेरिका में काम करते थे और बहुत ही डिमांड में, ही वॉज़ वेरी मच इन डिमांड, टेक्नीशियन थे, तो सॉफ्टवेयर कुछ डेवलपमेंट, प्रोग्राम की डेवलपमेंट करते थे। तो बोले उन्होंने चिट्ठी आई है, गाना सुना, बोले वो गाना इतना मेरे जहन पे छा गया कि वो ही वॉज़ डूइंग सो वेल इन सिलिकॉन वैली, तो वहाँ से वो छोड़ के वापस आ गए एंड ही स्टार्टेड स्टेइंग इन जयपुर। लकीली फॉर हिम यहाँ पे भी उन्होंने, he started his business and he did so well, के वो बता रहे थे कि चिट्ठी आई है, नहीं सुना होता तो बोले मैं वापस नहीं आता। नहीं यार, तो ये बताइए कि इंटरकास्ट मैरिज, आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो मुझे ये बताइए कि इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आपके क्या व्यू हैं? फरीदा मेरी पत्नी जो है, तो मैं और फरीदा वी यूज टू डेट, हम लोग कॉलेज टाइम पे या कॉलेज के बाद, बल्कि फरीदा से मेरी मुलाकात हमारे एक कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके घर पे हुई थी। अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग वी वुड गेट मैरिड, लेकिन मैं बांद्रा में रहता था एक जगह पे, तो उस ज़माने में आप जानते हैं कि टेलीफोन होना भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ। तो मेरे घर में फ़ोन नहीं था, वहाँ नीचे एक छोटा सा वो ईरानी रेस्टोरेंट था जहाँ वो मोबाइल अपना क्या टेलीफोन बूथ था। तो मुझे याद है रात के 11 बजे मैंने वो पब्लिक टेलीफोन बूथ से फरीदा को फोन किया था। हाँ। और आई प्रपोज टू हर ऑन द फोन। ओह माय गॉड, आपको मैं आज तक नहीं, सामने नहीं है और मैं प्रपोज। अच्छा, हिम्मत नहीं थी ना, तो हाँ। मैंने कहा चलो मैं पूछ लेता हूँ। तो फरीदा ने कहा कि ठीक है, बट शी सेड के ओनली ऑन वन कंडीशन के भाई, और मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई वील टेक परमिशन ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दोनों तरफ से हम लोग बात करके। तो उस तरफ ये हुआ कि भाई फरीदा पारसी हैं। हाँ। अच्छा, पारसी लोगों में थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बहुत वो बाहर पारसी, वो नहीं चाहते कि हाँ वो नहीं चाहते कि लड़की जो है वो बाहर शादी करे। फरीदा के जो पिता हैं वो ही वॉज एन एक्स पुलिस पर्सन। फरीदा ने कहा कि भाई तुम एक बार मिल लो। अब मुझे पता चला कि उनके पास बंदूक है, ही कीप्स अ गन, और ऊपर से उनको जाके मिलना और वो भी जाके बेटी का हाथ मांगना, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम था। तो आप सोच सकते हैं मेरी हालत, मैंने जाके उनसे दो हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हम लोग वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो वो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा, बोले इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, अगर आप खुश होने खुश रहेंगे दोनों तो आप ठीक है, आपकी मर्जी। उतना ही बोला। मुझे डर ये था कि शायद बंदूक निकल जाए, बंदूक निकाल लेंगे। तो आप लकी रहे, लेकिन ऑपोजिशन नहीं हुआ खास, मतलब दोनों फैमिलीज ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। जब आप बड़े हुए
तो घर में बहन नहीं थी जी, जी। तो भगवान ने वो कमी पूरी कर दी, दो बेटियां देखी, लेकिन अब बेटा नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट के जब आज से अगर 20-25 साल पीछे चला जाऊं तो शायद ये सोच थी कि भाई लड़का, लेकिन जब से मेरी बड़े वाली बेटी नायाब पैदा हुई तब से मुझे इस बात का इल्म हुआ और उस बात को धीरे 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 मैं जैसे वो बड़ी होती चली गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लड़कियां जो हैं उसमें लड़कों से थोड़ा देर इज समथिंग एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ होता जो लड़कों में नहीं होता, यानी मैं आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, लेकिन लड़कियों में कोई किस एरिया में एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, हर तरह से यानी बच्चियों में मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मैच्योर होती हैं अपने अंदाज में, अपने नज़रिए में। माँ बाप के लिए हमेशा उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई एक एक्स्ट्रा वो बात होती है जो आपको आम नज़र नहीं आती। फरीदा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ऐसे, जिस तरह उन्होंने अपने मम्मी और फादर का माता पिता की देखभाल की। फरीदा फादर वाज 97 इयर्स ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे, तो वो मेरी बच्चियाँ भी देख रही, लेकिन कमाल ये है कि दोनों बच्चियों को धीरे धीरे जब मैं देखता गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहाँ लड़के और लड़की में मुझे तो कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है। बल्कि पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक वो अभियान चलाया नरेंद्र मोदी जी ने कि बच्ची के साथ सेल्फी लो, तो ये अभियान मेरे पर्सनल लेवल पे काफ़ी दिनों से चल रहा है। अच्छा। यानी मेरी दोनों बच्चियों के साथ सेल्फीज फेसबुक पे पिछले 5-7 साल से चल रही है। ओह माय गॉड, तो ऑलवेज मेरी, आपको तो ऐसा लगा कि मैं तो ये कर ही रहा हूँ कब से? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं तो अभी जब मोदी जी ने कहा कि यू मस्ट टेक अ सेल्फी, तो मैंने कहा मैं सारी पुरानी तस्वीरें निकाल के मैं पोस्ट करूँगा कि मैंने मेरी बच्चियों के साथ सेल्फी ली है सारी। तो मैं समझता हूँ कि एक कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक बच्ची की शक्ल ऐसी है कि जिसमें माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, वो एक कंप्लीट है, जिसको कहें कि बच्ची जो है वो कंप्लीट होती है। और बच्ची से पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो रौनक है और एक सॉफ्टनेस आ जाती है घर में, घर में जो रौनक होती है ना वो बच्चियों से होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी की बात से मुझे ख्याल आया कि मोदी जी ने बहुत काम किया गुजरात में बहुत एरियाज में, और आप फार्मिंग फील्ड से हैं, मतलब पुश्तों से, तो ये बताइए कि अब गुजरात में जो फार्मर्स हैं उनको पहले के बनिस्बत अब काफ़ी सहूलियतें मिल गई हैं, चेंजेस आई हैं गुजरात में या नहीं? देखिए, मैं वहाँ बड़ा हुआ गुजरात में, गुजरात ऑल्सो हैज़ गॉन थ्रू अ मेजर चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं छोटा था, मेरा बचपन था, तो गुजरात वॉज वेरी ग्रीन। मैं जब बड़ा हुआ तो पता नहीं, तो गुजरात में बहुत ट्रीज कटने से गुजरात बहुत ड्राई हो गया था। इतना ड्राई हो गया था कि पूछे मत। फिर जब मोदी जी आए तो उन्होंने नर्मदा का पूरा एक वो प्रोजेक्ट किया। राजकोट जो मेरा गांव है, मेरा शहर है, जहां पानी नहीं मिलता था, उस राजकोट में मोदी जी की बदौलत, नर्मदा की बदौलत पानी आया और राजकोट में पानी मिलने लगा। न सिर्फ राजकोट में, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं जब भी जाता हूँ, जब व्हेनेवर आई गो बैक टू राजकोट, आई गो बैक एवरी ईयर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे धीरे धीरे फिर से उस एरिया में फिर से कहीं ना कहीं ग्रीनरी आपको नजर आने लगी। लेकिन फार्मर्स को फायदा हुआ है कि नहीं? फार्मर्स आर डूइंग वेरी वेल, बल्कि गुजरात का जो फार्मर है वो आज पहले के मुकाबले ही इज फार सुपीरियर इन सो मेनी वेज, क्योंकि जो सहूलियत चाहिए, जो बातें चाहिए, वो सब मिल रही हैं, और सबसे बड़ा पानी। तो मेरे ख्याल से गुजरात इज़ वेरी वेरी प्रॉस्परस। बल्कि आज मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर जी का एक, मोदी जी का एक ट्वीट पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में ही इज़ गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सेम मॉडल जो कि इरिगेशन में किया गया, जो पानी का है। हाँ, पानी का, कि ताकि हर कोई फार्मर को जो है वो पानी की कमी ना रहे, और पूरे मुल्क में हर जगह पे फार्मर जो है उसको ये शिकायत ना हो कि मेरे पास पानी नहीं। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम, लेकिन इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं पंकज उदास से।
हमने स्पेशली आपके लिए एक हारमोनियम मंगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप, मुझे मालूम है कि आप हारमोनियम बजाकर ही गाते हैं जी। तो प्लीज वो दो गाने जो आप जी हमें सुनाने वाले थे अब सुनाइए हारमोनियम के साथ। बिल्कुल। चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बहुत खूबसूरत। पंकज जी जी, अगले गाने की लाइनें सुनने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि गज़लें जो हैं एक डाइंग आर्ट है जी। और बहुत कम लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं या सुनते हैं, तो आपने इस एरिया में कुछ करने की कोशिश की है? किरण जी, मैं कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिक चिल्ड्रन बच्चे जो हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ एक लंबे अरसे से। कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से काम कर रहा हूँ, और थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म ब्लड डिसऑर्डर है। ये बताइए, थैलेसीमिया में अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो क्या होता है? तो बच्चा मर जाएगा। ओहो। तो दोनों के लिए मैं काम करता हूँ। तो हमने क्या किया कि ख़जाना के नाम से एक कार्यक्रम हमने शुरू किया, और ख़जाना के ज़रिए हम क्या करते हैं कि दो, जिसको कहें कि एक साथ में दो हमारे काम होते हैं, कि ये दोनों जो संस्थाएं हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए आपस और में मिलके काम करते हैं। हाँ जी, वो थैलेसीमिक बच्चों का जो है उनके लिए हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा काम ये होता है कि हर साल खजाना के ज़रिए हम कम से कम 4 नए गज़ल के कलाकार जो हैं उनको पेश करते हैं। और एक बात ज़रूर है लेकिन किरण जी, कि मैं, आपने जो कहा बात डाइंग आर्ट की, लेकिन आज भी मेरा तजुर्बा ऐसा है कि जब लोग थक जाते हैं, दुनिया भर का संगीत सुन के थक जाते हैं, जब तो बहुत ही लाउड आ जाते हैं, तो फिर वो जो है बंदा वो कहीं ना कहीं गज़लों की सीडी ढूंढता है, कहता है मुझे अब गज़ल सुननी पड़ेगी क्योंकि मैंने बहुत धूमधड़ाका बहुत सब कुछ मैंने सुना है कि नबील करके जो आपकी एक एल्बम आपने निकाली थी जी, उसको आपने ऑक्शन किया था। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल 1 लाख रुपया मिला था बिल्कुल उस एल्बम को, और उस पैसे को आपने कैंसर पेशेंट के लिए डोनेट कर दिया था। जी, बल्कि खजाना के जरिए, थ्रू खजाना, हमने कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिक बच्चों के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, और अभी चल रहा है, तो हर साल पैसे हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है आपसे दूसरा गाना सुनने जी का। वो गाना आप जिसका जिक्र मैंने किया था कि जो मुझ पे ही पिक्चराइज हुआ था, बहुत प्यारा गाना है। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। बहुत खूबसूरत। तो पंकज जी, आप अपना वो गाना हमें जरूर सुना दीजिए जी। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। एक्चुअली मेरी आपके घर से ये बहुत लिंक जी, होता है। पसंदीदा गजल है मेरी जी। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल
हो जाएंगे, ऐसा लगता है दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। बहुत खूबसूरत। यू नो इतना मुश्किल है जब आप गा रहे होते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ गाऊं, लेकिन मैं इतनी बेसुरी हूं अरे नहीं, नहीं, कि मुझे अंदर ही अंदर गाना पड़ता नहीं, है अरे। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है आप? मैंने सुना एक एल्बम रिलीज करने वाले हैं। जी, एक तजुर्बा किया है मैंने कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो वो ट्रेंड है सिंगल। अच्छा। कि आप सिर्फ एक ही गीत या एक ही गजल फिर उसको सीडी आप शूट करते हैं और फिर आप उसको यूट्यूब पे या नेट मीडिया पे डालते हैं। हाँ। जी, तो मैंने अपना एक खुद का मेरा अपना यूट्यूब का चैनल शुरू किया है, विच इज़ youtube.com/pankajkeudhas के नाम से। तो वो मेरा चैनल मैंने अभी लॉन्च किया है, तो वो बहुत प्यारी गज़ल है। आलोक श्रीवास्तव उसके शायर हैं गज़ल के, और हम दोनों ने मिलकर कुछ कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे आपने पहले मुझे सवाल किया था कि गज़ल का भविष्य, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक नया ट्रेंड जो है गज़ल सिंगल का, वो भगवान करे कि कामयाब हो और बहुत सारे कलाकार जो हैं जी वो गज़लों के सिंगल्स बनाएं। जी, जी। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। तुम सोच रहे हो बस बादल के उड़ानों तक, शीशे की हवेली से पत्थर के मकान के ठिकानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। मेरी एक और नज़म है, बहुत पॉपुलर है, उसका वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आप सुनिए। हाँ, सुनाना चाहूंगा। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। बहुत खूबसूरत। पंकज जी, अब समय हो रहा है रैपिड फायर का। okay. तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछने वाली हूँ और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। कोशिश करूँगा। आसानी है, आपके फेवरेट पारसी डिश? धान साग। और गुजराती डिश? गुजराती ढोकला।
ज्यादा सोचा आपने गुजराती के बारे में? क्योंकि there are so many things. Exactly. आज के जनरेशन में आपका फेवरेट सिंगर शान, और जहाँ तक फीमेल आर्टिस्ट का सवाल है, मुझे श्रेया घोषाल की आवाज बहुत श्रेया घोषाल जी। फेवरेट संगीतकार इस दौर में या पुराने दौर में? कभी भी। आपके फेवरेट? मदन मोहन जी। मदन मोहन जी। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर। रियली? आप खेलते थे? इवन टुडे आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ क्रिकेटर। पर आप खेलते थे क्रिकेट? मैं स्कूल में बहुत खेला हूँ क्रिकेट। अच्छा। मुझे बड़ा शौक था, मैं स्कूल की टीम से खेलता था। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू बी अ स्पिन बॉलर। ओके। अच्छा, आपकी बायोग्राफी बुक का टाइटल, अगर आप एक बायोग्राफी लिखें जी, तो उसका टाइटल क्या होगा? मैं अगर लिखूं, व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इस साल में शुरू करने वाला हूं लिखना, तो उसका मुझे जो टाइटल मेरे जहन में इमीडिएट टाइटल व्हिच कम्स टू माय माइंड वुड बी साउंड्स ऑफ साइलेंस। साउंड्स ऑफ साइलेंस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जी। आपके बारे में एक ऐसी बात जो कोई नहीं जानता? ये नहीं कह सकता मैं। कहना पड़ेगा। वेल, आई एम अ लेफ्टी। ओ, बट द ब्यूटी इज के मैं हारमोनियम सिर्फ लेफ्ट से बजाता हूँ, बाकी सब राइट से करते हैं। कमाल है, कमाल है। अच्छा, मुंबई के बारे में एक सबसे अच्छी बात? इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग सिटी, यानी दुनिया भर के सब लोगों को ये सिटी सह लेता है, ये शहर जो है वो सबका न्यूसेंस सह लेता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ देता जरूर है। लवली। और एक सबसे बुरी बात बॉम्बे की, मुंबई की? पॉपुलेशन नहीं, उससे भी ज़्यादा रास्ते पे खड्डे, बहुत गड्ढे होते हैं। ओके पंकज जी, आप तो बहुत खरे उतरे इसमें, सब अच्छे से जवाब आपने दे दिए। प्रोग्राम ख़त्म अब होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप हमारे लिए इस बुक में एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे? जी जरूर, बिल्कुल। और हमारी बिल्कुल, प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखेंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। आपके लिए वहां से आना मुश्किल होगा शायद। अरे नहीं, मैं यहां आ जाता हूं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हम दिखाएंगे अपनी ऑडियंस को आपने क्या लिखा है हमारे शो के बारे में। लिखा है कि कोशिश से कामयाबी तक, ऑल द वेरी बेस्ट, मे यू बी कामयाब ऑलवेज। और यहाँ पर हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक आप कोशिश करते रहिए कामयाबी पाने के लिए। आइए पंकज जी, जी हम तो बातें करेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, मैं हूँ सुनिधि चौहान, और आज तक आपने मुझे कई किरदारों में देखा है। 4-5 साल की उम्र से ही म्यूजिक को लेके कुछ अजीब सा जुनून था। बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा सराहा है। मन सात समंदर डोल गया, जो तू आँखों से बोल गया, ले तेरी हो गई। लेकिन मेरी जो कोशिश से कामयाबी तक का सफर है, उसमें शायद आप कुछ बातें हैं जो नहीं जानते। I was 11 years old when I sang my very first playback song. तो वो सारी बातें जानने के लिए मुझे जरूर देखें कोशिश से कामयाबी तक में, केवल DD नेशनल पर।